हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लास्ट फाउंडेशंस। मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखने वाले हैं सिंगल फेस ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर ये लेसन में हम लोग सिर्फ इसके सम्स देखेंगे कैसे करते हैं, क्योंकि वही पूछा जाता है और कुछ पूछा नहीं जाता। ठीक है, 10 और 8, 12 और 8 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो बेसिकली इसमें दो टेस्ट होते हैं, एक होता है ओसी टेस्ट और एक होता है एससी टेस्ट, दोनों एक साथ आते हैं। ठीक है, 8 मार्क के लिए आएगा और 8 मार्क में आपको पैरामीटर्स निकालने बोलेंगे, जो कि मैं बताता हूँ क्या होते हैं, और एक में बोला रहेगा विथ एफिशिएंसी निकालो। ठीक है, तो अपने को करना क्या है? सीधी बात है, अपन अभी थ्योरी देखेंगे, इसके बाद अपन उसका सम देखेंगे। तो अभी थ्योरी में मैं बताता हूँ कि कौन से स्टेप्स आपको वो सम में करने हैं जो 8 मार्क के हैं, और जो 12 मार्क में कौन से करने हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ट्रांसफार्मर का मैं बेसिक, ये होता है आपका बेसिक डायग्राम, ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट डायग्राम होता है। ठीक है, जिसमें आपका लोड भी दिया है और आपका कोर भी दिया है। ठीक है, तो आपका करंट कौन सा होता है? I1। ठीक है, वो स्प्लिट होता है यहाँ पर I0 में, जो दो जगह जाता है, एक जाता है रेजिस्टर के पास और एक जाता है इंडक्टर के पास। अब यहाँ पर दूसरा करंट स्प्लिट होता है, जो कि होता है I2 डैश। ठीक है, वो कहाँ जाता है? R2 के R1 के पास जाता है और ये X01 के पास जाता है। ठीक है, इसका नाम नहीं लिखा मैंने, इसका नाम होता है R01 X01। ठीक है, खत्म। अब बेसिकली इसमें दो टेस्ट होते हैं बोला मैंने, एक होता है ओपन सर्किट और एक होता है शॉर्ट सर्किट। ओपन में क्या होता है? ओपन इसको बोलते हैं नो लोड टेस्ट। नो लोड मतलब ये जो लोड दिख रहे हैं यहाँ पर आपको, ये यहाँ नहीं होता, मतलब करंट यहाँ नहीं फ्लो होता, इसलिए ये करंट क्या हो जाता है? जीरो। पूरा चीज इतने में खेलती है, ये चीजें इतने में होता है। तो अपने को बेसिकली फाइंड करना होता है, मतलब मैं ओसी टेस्ट में ये फाइंड करना होता है और ये फाइंड करना होता है, क्या? आर ओ और एक्स ओ। ठीक है, तो देख लेते हैं कैलकुलेशन फॉर आर ओ एंड एक्स ओ। तो कैसे बताएंगे? तो अपने को क्या पता है कि वैट मीटर का रीडिंग, हाँ, इंडिकेट क्या करता है? इनपुट पावर, है ना। वैट मीटर का रीडिंग क्या इंडिकेट करता है? इनपुट पावर। तो अपने निकालना कैसे? तो वैट मीटर, वैट इज इक्वल्स टू, मतलब वैट रीडिंग इज इक्वल्स टू वोल्टेज वन। वोल्टेज वन मतलब क्या? जो आपकी अप्लाइड वोल्टेज है वो, इंटू आई नॉट। आई नॉट क्या होता है? आपका जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर वो, इंटू कॉस फाइ, और ये उसका यूनिट है। ठीक है, तो अभी इससे अपने को क्या चाहिए? अपने को सबकी वैल्यू पता है, अपने को कॉस फाइ चाहिए। ठीक है, तो मिल जाएगा। तो सिमिलरली करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फाइ के लिए आप साइन फाइ भी निकाल लो। ठीक है, फिर उससे आपको क्या करना पड़ेगा? उससे आपको ये आई डब्ल्यू कौन सा करंट है? जो रजिस्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, और ये आई एम यू, ये कौन सा करंट है? जो इंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों निकालना है आपको, उसके बाद आपको आर ओ की वैल्यू मिल जाएगी और एक्स ओ की वैल्यू मिल जाएगी, ये फॉर्मूला से। बस इतना, ये आपका ओसी टेस्ट हो गया। अब आपका आता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट मतलब क्या? कि ये जो आपका कनेक्शन है वो शॉर्ट कर दिया जाएगा। मतलब क्या? ये डायग्राम में ये भी नहीं होता, शॉर्ट सर्किट में ये नहीं होगा, सिर्फ ऐसा करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो वो यहां पर होता है। ठीक है, अब यहां क्या होता है? कैलकुलेशन किसके लिए करने रहते हैं यहां पर आपको? फॉर आर ओ वन, एक्स ओ वन, और ये इधर एक लोड होता है ना वो। ठीक है, जो कि मतलब देखो आर ओ वन और एक्स ओ वन जो टोटल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, इम्पीडेंस, वो कैलकुलेट करना रहता है। ठीक है, इसमें लोड भी आता है, लोड नहीं भी होता कभी कभी। ठीक है, तो अपने निकालना है, तो अपन यहां पर इसके लिए फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन फॉर दिस इज इक्वल टू सेम वाटमीटर रीडिंग इंडिकेट्स कॉपर लॉस। यहां पर वायर है और यहां पर क्या था आपका? कोर। तो इसके लिए कोर लॉस आएगा और यहां पर आएगा कॉपर लॉस। अब देखते हैं यहां पर, तो आपको क्या इंडिकेट करना है कि वैट मीटर इज इक्वल टू आई वन, जो करंट फ्लो हो रहा है वो, का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, जो ये है। ठीक है, उससे आपको आर ओ का वैल्यू मिल जाएगा, क्योंकि करंट वरेंट आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि जेड नॉट वन निकालना है, इंपिडेंस। इंपिडेंस क्या होता है? वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज कौन सा? तो अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, अपॉन द करंट। फिर उसी से आप रिएक्टेंस भी निकालोगे, रूट ऑफ इंपिडेंस का स्क्वायर माइनस रेजिस्टेंस का स्क्वायर, निकल गया। फिर उससे आपको क्या निकलना है? देखो ये चीज किसके लिए थी? ये था सेकेंडरी शॉर्ट। सेकेंडरी शॉर्ट मतलब क्या? कि जब भी आपका सेकेंडरी साइड, ट्रांसफॉर्मर में दो साइड होते हैं ना, देखो बताता हूं, एक प्राइमरी होता है और एक होता है सेकेंडरी साइड। ठीक है, दो साइड होते हैं ट्रांसफॉर्मर में। तो यहां पर आपका सेकेंडरी वाला शॉर्ट था और ये वाला प्राइमरी साइड ओपन था, बट यहां पर आपका प्राइमरी साइड शॉर्ट है और सेकेंडरी ओपन है। ठीक है, तो प्राइमरी के सेकेंडरी शॉर्ट के लिए ये कंडीशंस थी, प्राइमरी शॉर्ट के लिए ये होगा। बस 2-1 की जगह 2 आता है। ठीक है, और कुछ फर्क नहीं है, इसी बोलने की बात है, 1 की जगह 2 आ जाता है, बस और कुछ नहीं, सेम है सब।
ठीक है। फिर ऑल्सो आप इसको कैसे RO1 को कैसे निकाल सकते हो, इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से आप बोलोगे भाई K क्या है, तो K होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। आपको दिया रहेगा ये E2/E1, एक वोल्टेज दिया रहता है, दो वैल्यू दी रहेंगी, ऐसा दिया रहेगा क्वेश्चन में, 200:400। हाँ, तो ये होता है, ये जो बड़ी वैल्यू होती है ऊपर होती है और छोटी वैल्यू नीचे होती है, इतना याद रखना बस, ठीक है। तो अभी मतलब इधर कौन सा हो जाएगा, E2 का वैल्यू क्या होगा 400 और E1 का वैल्यू 200, ठीक है। तो ये होता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है, इतना ही होता है ये। अब इसके बाद अपन देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। रेगुलेशन में इन शॉर्ट होता है चेंज, चेंज इन वोल्टेज, ठीक है। तो अभी अपन को देखना है क्या है वो। तो रेगुलेशन हमेशा निकालते हैं ऐसे इस फॉर्मूले से, ठीक है। सेकेंडरी साइड, चूंकि बताया था मैंने क्या होती है सेकेंडरी साइड, तो वहां पर ये वैल्यू आएगी I2 R2 और cos phi, प्लस माइनस क्यों आएगा, लैगिंग है तो प्लस, लीडिंग है तो माइनस, बाकी फॉर्मूला सब सेम, डिवाइड बाय E2 × 100, ठीक है, आपको परसेंटेज मिल जाएगा। और कब, जब जब प्राइमरी साइड में रहेगा तो 1 की जगह 2 की जगह पे 1 आ जाएगा, बस आपको समझ आएंगे वैसे मैं बता दूंगा, ठीक है। ये वाला जो जहां अभी अपन ने जितना किया ना इधर तक, ये होता है आपका 8 मार्क का सम, बट जब आप रेगुलेशंस करते हो उसके प्लस एफिशिएंसी करोगे तो वो होता है 12 मार्क का। रेगुलेशन इतना ही है, अब एफिशिएंसी पे आते हैं। अपने को बेसिकली क्या पता है, एफिशिएंसी इज आउटपुट अपॉन इनपुट पावर, बट इनपुट पावर इज इक्वल्स टू आउटपुट पावर प्लस टोटल लॉस, है ना। बट टोटल लॉस क्या होता है अपना, देखो कोर लॉस, जितना कोर में लॉस हुआ, प्लस कॉपर लॉस सी, ठीक है, जितना कंडक्टर में लॉस हुआ। अब तो वो चीज का फॉर्मूला होता है यहां पर, तो इसका पूरा फॉर्मूला ये है कि अपना आउटपुट पावर ये होता है X × फुल लोड, मतलब जब फुल लोड होता है ना तो एक्स का वैल्यू होता है 1, ठीक है, जब जब हाफ लोड होता है तो होता है 0.5, ठीक है, इतना याद रखो। बेसिकली यही पूछा जाता है आपको, फुल लोड के लिए आपको 1 लेना है एक्स को, और हाफ लोड के लिए 0.5, ठीक है। तो X × फुल लोड KVA, KVA का वैल्यू आपको दिया रहा है क्वेश्चन में, × PF, PF मतलब क्या, पावर फैक्टर, वो भी आपको मिल जाएगा कैसे, cos phi से, ठीक है, cos phi इक्वल्स टू PF। अभी वापस ये फॉर्मूला में फिर आपको W आएगा, वैल्यू निकालना है, दिया रहेगा प्लस X² × कॉपर लॉस, ठीक है, फुल लोड में कॉपर लॉस × 100। तो अपन सम करेंगे ना तो बेसिकली आपको पूरा समझ जाएगा, इसके बाद अपन सम्स करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और आपको अगर कुछ भी नहीं समझा तो कमेंट में मेंशन कर दो कि मैं वापस इसका वीडियो अगर चाहिए तो बना दूंगा। और हाँ, इस टॉपिक के नोट्स भी अवेलेबल है, आपको अगर चाहिए रहेगा तो lastminuttuition.com पे आप विजिट कर सकते हो, और बहुत सारे कोर्सेज भी वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।